हाय किड्स, आज हम एक डाइस का गेम खेलेंगे. ओके, अब इस डाइस के गेम में आपको करना क्या है कि हम पे एक डाइस है, ये डाइस, ठीक है. अब आपको इस डाइस को क्या करना है, इस डाइस को हम 30 बार क्या करेंगे, 30 टाइम्स क्या करेंगे, फेंकेंगे, ठीक है. और जितने भी आते रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक होते हैं डाइस में, तो 6 आते रहेंगे, तो वो हमारी जो टेबल है उस टेबल में हम क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे. उतनी बार हम उसमें डंडे खींचते रहेंगे. शुरू करें? ओके, तो आज आदि खेलेगा हमसे, हमारे साथ. चलो आदि डालो. कितना आया? 3. तो अब जो 3 वाला जो है उसके आगे हम क्या कर देंगे, एक डंडे खींच देंगे, ठीक है. फिर से फेंको, यहीं पे फेंको, नीचे फेंक दो. कितना आया? 3. फिर से 3 के आगे डंडे खींचो, उठाओ बेटे. टू, फिर से फेंकते रहो आप. एक बच्चा गिनते रहेगा कितने हो गए चांस, दिखाओ कितना आया. 2. चलो 5. ओके, फिर से फेंको, आप उठाते रहो, बस फेंको. 5. ओके 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 ओके. ओके 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 एक, ठीक है. आप गिनो उसमें से कितने, आपको पता चलेगा कितने बार हो गया. 2. ओके ओके चलो चलो फेंको. ओके 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 ट्वेंटी सेवन बार हो गए. 28 टाइम है अभी ये. ओके, 28 हो गए, बस 2 बार और फेंकना है. ओके ओके. अब देखो, एक बार जितने भी जो भी वहाँ हो रखे हैं ना, जो हमने डंडे खींच रखे हैं, एक बार उन डंडों को गिनो, कितने डंडे हो गए. हो थर्टी हो गए. अब देखो उसके नीचे से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है? टू. वेरी गुड, तो 2 आएगा आंसर. पहले वाले में 2 आंसर. ओके, हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप. 6 कितनी बार आया है? 2 बार. ओके, 2. हाँ नहीं, उसके आगे जहां पर एक लाइन खींच रखी है, 2 टाइम्स जहां पर लाइन खींच रखी होगी, ठीक है. अब देखो, सी वाले में है, 4 केम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन. अब देखो, 4 से जो 4 है ना, 4 कितनी बार आया है? 7 बार आया है. उससे कम क्या आया है? उससे कम 3 भी आया, उससे कम 5 भी, उससे कम आया है 6 भी. तो हम वहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो वहां पर आप 3 लिख दो, जो बॉक्स बना हुआ है 3. हाँ, यहाँ पे 3. ओके, अब देखो, अब एक बात सोचो आप, हैं ध्यान से सुनो. अब जैसे ये गेम अगर 2 अलग अलग बच्चे खेल रहे होते, ठीक है, माना यहाँ पर इसीता और आदि 2 अलग अलग डाइस से खेल रहे होते, तो दोनों के टेबल्स अलग अलग बनते, ठीक है.
किसी का 6 आता तो किसी का 1 आता, कभी कभी बहुत कम टाइम होता जब दोनों का एक जैसा आता, तो तब एक बच्चा क्या हो सकता था इसमें जीत सकता था और एक बच्चा क्या हो सकता था हार भी सकता था। ठीक है, तो आप इस गेम को ऐसे भी खेल सकते हो। ओके,